हाय एवरीवन, बच्चों हम कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ही किसी हमारे राष्ट्र का गौरव है। ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। हमने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखते हैं इसका अंतिम और सेकंड भाग। बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसे हम टाइगर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आपने इसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी टीवी, सिनेमा हॉल, वीडियो, इंटरनेट या फिर किसी जू में देखा होगा। जी हाँ, वही बाघ जो बहुत खूंखार और फुर्तीला होता है। इसकी इसी सुंदरता, फुर्तीलेपन, ताकत और अपार शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय गान। बच्चों क्या आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जी हाँ, वही जिसे हम हर रोज स्कूल में दोहराते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, इस गीत की रचना श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। इसकी कुल अवधि 52 सेकंड है। ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। नदी। बच्चों क्या आपको पता है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जी हाँ, गंगा नदी। गंगा जल के बारे में तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा, दोस्तों या अपने घर में किसी बुजुर्ग से सुना होगा। आपको पता है हरिद्वार में गंगा नदी जो है प्रमुख स्रोत है। यह 2510 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ हरिद्वार में आती है। यह भागीरथी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच में जन्म लेती है। हमारे तो बच्चों हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जी हाँ, गंगा नदी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों पता है अशोक चिन्ह है। आपने एक चार शेरों वाली तस्वीर तो देखी होगी। यही तस्वीर जो है हमारी जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। बच्चों इसके चार शेर चारों दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। जी हाँ बच्चों, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। पंचांग। बच्चों आप सबके घर में कैलेंडर तो जरूर होगा जिस पर जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से महीनों के नाम होंगे। लेकिन हमारा हिंदू कैलेंडर जो है वो पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंचांग। इसका प्रथम माह चैत्र माह होता है और इसे 22 मार्च 1957 से मान्यता 365 दिन निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के लिए इसे अपनाया गया था। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? जी हाँ, पंचांग। हमारा राष्ट्रीय गीत। बच्चों आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्य शीतलम सुजलाम सुफलाम मल्य शीतलम। ये गीत आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। इस गीत को श्री बंकिम चंद चटर्जी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा देने के लिए लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और ये है प्यारा सा तिरंगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और आप सबकी पसंद है। चित्रकारी के समय या ड्राइंग के समय सबसे पहले बच्चे इसे ही बनाना पसंद करते हैं। यह 3 रंगों के मेल से बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, जो कि बराबर अनुपात में
लिए गए हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी में नीले रंग का एक चक्र है। भारत में इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इस ध्वज की रूपरेखा पिंगली वेंकैया जी ने की थी। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है या राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? जी हाँ, तिरंगा झंडा। और आइए अब जहाँ थोड़ा सा फन टाइम, हम 1 से 9 तक के नंबरों के द्वारा कुछ चित्रकला करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ी सी मस्ती। और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर। धन्यवाद। बाय बाय।